हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डे 7 सहरी और मैं उठ गई हूँ। अभी सब लोग सो रहे हैं, मैंने यहाँ चाय बना दी है और दूसरी तरफ मैं एग बनाने वाली हूँ क्योंकि किसी का भी ज़्यादा खाने पीने का दिल नहीं है। एंड आई गॉट माई चम्प, सो आई एम नॉट फास्टिंग। और अब्बा के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है क्योंकि उनको फैनियाँ खानी थी और टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो सुबह उठ कर मिलता है इंशाल्लाह। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं घर से निकली हूँ, वरना आप तो निकले थे। ओके, लेट्स गो इन द लेफ्ट एंड देन आई टॉक टू यू। दैट्स प्रकाश जी, ये मेरे हेयर करते हैं और आज टाइम मिला है तो मैं वापस आ गई हूँ प्रकाश जी के पास। ये वाला पार्ट ना मेरा सबसे फेवरेट होता है। मतलब कहने को ये हेड वॉश है लेकिन प्रकाश जी हेड मसाज भी देते हैं एंड इट्स सो रिलैक्सिंग। और अल्लाह का शुक्र है, लास्ट टाइम के डैमेज के बाद भी माय हेयर हैव ग्रोन बैक अगेन। एज यू कैन सी, टू पीपल आर ब्लो ड्राइंग इट एंड आई फील सो गुड टू सी दिस। वैसे अभी भी मुझे पब्लिक प्लेसेस में रिकॉर्डिंग करने में बड़ी शर्म सी आती है, बट या आई एम हैप्पी। यू गाइस नो कि अभी भी ड्राइवर का इंतज़ाम नहीं हो पाया है, तो नाउ दैट माई हाउस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई सैलॉन मॉल सब के आसपास है, तो आई थॉट कि वॉक करके चली जाती हूँ, इतना लंबा नहीं है रास्ता। अपने घर की तरफ जा रही हूँ मेरे सिल्की शाइनी बालों को ब्लॉन्ड करते हुए। और मुझे अभी भी रोड्स की क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती है क्योंकि यूजली गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करते हैं, तो मैंने साथ साथ मैप भी ओपन किया हुआ है। वैसे लोगों को अगर गलत फहमियाँ हैं कि हम एक्टर्स हैं, हम सिर्फ गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, वी वॉक ऑन द स्ट्रीट्स, वी टेक अ रिक रिक्वायर्ड इफ रिक्वायर्ड, हम वो सब करते हैं जो आम लोग करते हैं। सो टेक अ चिल पिल गाइस। और ये अपनी परछाई देख के मैं पता नहीं कितनी फैसिनेट हो रही थी। मैं खोलने जा रहा हूं। सब कुछ सही चल रहा है लेकिन ये जो है इन्होंने बस चिंदी बना कर रहे हैं, चिंदी आदमी है। और चलो अभी अपसेट मत हो, अभी इनका देखना रोजा और चिल्लाए जा रहे हैं। हाय एवरीवन, वैसे तो हम लोगों का बहुत एकदम से मूड ऑफ हो गया है, हसन बताएंगे कि क्यों। आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, अब्बा हमारे लिए बर्गर पैटी लेके आए थे और मैं सबके लिए आज बर्गर कराने वाली थी, बट देन दिमाग एकदम ख़राब हो गया है। मुझे समझ नहीं आता कि बॉम्बे के हाउस ओनर्स क्या समझते हैं अपने आप को। पहले तो हसन देते नहीं है ना, सबसे बड़ा मतलब जो हमने फ्लॉज देखे हैं बॉम्बे के उसमें वो ये है कि लोग पहली बार तो घर देने के लिए राजी नहीं है कि आप एक्टर हो, आप ये हो, वो हो, जो भी वो रीज़न देते हैं। आई डोंट वांट टू मेंशन, एवरीबडी नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड सेकंड थिंग दैट इज़ थ्रूइंग माय माइंड राइट नाउ इज़ दैट दे कीप द सिक्योरिटी। हमने 3 लाख सिक्योरिटी दी है, उसमें से वो लोग खा रहे हैं आराम से पैसा। दे हैव कैप्टेड, आई हैव शिफ्टेड, अब कितना 1 महीना हो गया हमें घर चेंज हुए थे, 1 महीने ज़्यादा हो गया है। एंड हाँ, ओनर इज सेइंग कि ये ब्रोकर एंड ही वॉन्ट्स टू कीप द मनी, बेसिकली उनको हड़पना है। तो अच्छा, वो मैंने कुछ वीडियोस बना के रखी हुई थी और वो मैंने भेजी हैं अभी विद प्रूफ के भाई देख लो कि ये वर्किंग था और इतनी खटारा कंडीशन में था, हमने कितना अच्छा बनाया। थैंक गॉड, यहाँ पर सब कुछ अपना है, टेंशन नहीं है। सीरियसली वेरी अनोइंग एंड आई एम गोइंग टू पुट हिज नेम अक्रॉस अगर कुछ सीरियसली उन्होंने हमारा पैसा वैसा खाया ना। इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट एथिक्स। उनको बस ये लगता है कि इट्स वेरी ईजी कि आप पैसा रख लो कोई भी स्टूपिड रीजन देके, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। 100% लेट मी मेक
बर्गर पैटी एंड नॉट अपसेट माई सेल्फ. सो बर्गर, अरे ये बहुत ज्यादा हो गए. इसके लिए हमने मंगवा लिया है 1000 आइलैंड सैंडविच स्प्रेड, सम लेटस जो इन्होंने क्लीन कर दिया है, एंड वी हैव बर्गर बंस. काफ़ी सही लग रहे हैं. और हम वैसे तो बनाने वाले थे घर में पैटी, लेकिन अब्बा फिलहाल बाहर से लेकर आ गए. सो हियर वी हैव इट. Now let's make it together. Hello, Shreen, क्या बन रहा है? बर्गर बन रहे हैं मम्मी. अच्छा मैं सोचा बर्गर की भी रेसिपी बता देती हूँ क्योंकि सबको जानना था. तो मैंने चार बर्गर लिए हैं अभी के लिए. एक्चुअली फाइव बर्गर्स, वन इज फॉर दीप्ति एज वेल. तो अभी इसको बीच में से हमने कट कर लिया है और कट करे हुए भी मिलते हैं. और यहाँ पर ये अनियन टमाटो और ये जैसे मैंने दिखाया 1000 आइलैंड सैंडविच स्प्रेड है. तो ये हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे और बिल्कुल मैकडोनल्ड जैसा बनेगा बर्गर. आई एम टेलिंग यू, अभी मैकडोनल्ड को हम सब ने, जैसे कि आप लोग जानते हैं, बिल्कुल बॉयकॉट किया हुआ है बिकॉज ऑफ द फाइट एंड एवरीथिंग. सो हमें तो मैकडोनल्ड खाए कितना टाइम हो गया मम्मी? आई डोंट इवन रिमेम्बर, पता नहीं 4-5-6 महीने हो गए जिस टाइम से हमें ये अवेयरनेस हुई थी, पता चला था, हमने उसी टाइम से बंद कर दिया था. बहुत सारे और ब्रांड्स भी हैं जो हमने बॉयकॉट कर दिए पर्सनली, नो मैटर हाउ मच वी आर क्रेविंग बट वी आर नॉट हैविंग इट. सो एनीवे मैकडोनल्ड जैसा बर्गर घर में बनाने का टाइम है तो हम घर में बना रहे हैं. तो ये मैंने लगा दिया है स्प्रेड भर के खूब सारा अच्छा सा. इसमें रखेंगे हम अनियन तो खूब रखो ना, अच्छी लगती है हमें. हाँ, अनियन खूब रखो. हाँ, ये गई अनियन और टमाटो. कई लोग खीरा और ये सब भी रखते हैं बट मैं वो नहीं रखती. ये नहीं. और ये इसमें गया लेटस. और अब हम इसके ऊपर रखने वाले हैं बर्गर टिक्की जो कि अभी फ्राई करने बाकी है. हाँ, इसकी पूछ हटा दो तुम. बाकी सबकी भी हटा दो. तो फटाफट बर्गर फ्राई करते हैं और फिर वापस आते हैं बर्गर पूरा करने के लिए. हमने टिक्की डाल दी है. टिक्की को आप डीप फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं. आई थिंक हसन यही प्रेफर करते हैं. मैं तो एयर फ्राई प्रेफर करता हूं बट ठीक है, कोई बात. टिश्यू लगाना दिखती? बट हमने फिलहाल एयर फ्राई नहीं किया क्योंकि अगर मैकडोनल्ड टाइप क्रिस्पी टिक्की चाहिए, मैकडोनल्ड टाइप क्रिस्पी टिक्की चाहिए तो वो डीप फ्राई में मिलेगी, है ना मम्मी? वरना तो नहीं हो पाएगा. वी डोंट सपोर्ट मैकडोनल्ड. आई ऑलरेडी सेड इट बट आई एम मेकिंग अ डुप्लीकेट बेटर बर्गर देन. मैंने पहले क्या दिया, हम लोग बॉयकॉट कर चुके हैं लेकिन हम उससे भी बेटर बना रहे हैं घर में. और आई थिंक इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं सब, अब तो दे ऑल सर्व. एक नया मार्केट में ब्रांड आया है, शिरीन ब्रांड. डैडी को बताया शावल ने एक बहुत फनी जोक, बताओ. अरे यार चीज भी डालो उसमें. हैं चीज स्लाइस भी डालो. अरे हां चीज स्लाइस मैं बिल्कुल बताना भूल गई थी, निकालो. तो मैं इतनी फनी बात बताऊँ, शावल वहाँ दुबई होके आया, शावल डैडी को कहता है कि अलबेग खाया मैंने, अलबेग है. डैडी बैठे बैठे कहते हैं हम इंडिया में खोलेंगे अलबेग. सच में डैडी ने बोला मैं यहाँ पे इंडिया में खोलूंगा अलबेग. क्रीम खत्म, क्रीम खत्म, पैसा हजम. मतलब गाड़ी नहीं आ रही है. आई हटो मैं तुम्हें. अच्छा हमने, मैं बता दिया आज बर्गर बन रहा है. हाँ, अभी बर्गर का वो करना शुरू करूंगी मैं. ऑल्दो इट्स रेडीमेड पर आज हम एक्चुअली करने वाले थे लेकिन आज ओह शिट. क्या हुआ, दम से भी गिरी? क्या चाहिए मंगवा दूँ? और ये फ्रेश क्रीम तो नहीं चाहिए. अच्छा, कल के लिए चाहिए ना. कितने सारे कलर्स दिख रहे हैं ना, कितना सही लग रहा है ना, कलरफुल सा एकदम.
पोमग्रेनेट, मैंगो, बनाना, एप्पल, डेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लॉट ऑफ क्रीम. और वी डोंट पुट शुगर, हनी या कुछ भी एडेड शुगर नहीं डालते हैं बिकॉज हमारे फ्रूट्स ऑलरेडी बहुत शुगरी होते हैं. और बाकी मेरे हाथ बहुत शुगरी हैं बिकॉज आई एम शुगरी एंड आई एम स्वीट. सो बीबी इधर तो आई है. बीबी छोटी सी चुटिया लेके कहाँ चल दी? बीबी क्या कर रही है? बीबी बीबी शैला फैयाज मस्त लग रहा है ना. सो इसकी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है बट ये स्पेशल ना होके भी बहुत स्पेशल है. ये रमजान के लिए सबसे स्पेशल डिश होती है. और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डेट्स एंड फ्रूट्स बोथ क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं एकदम क्योंकि आप पूरे दिन रोजा रखते हो फास्ट करते हो. सो शरबत नींबू का शरबत एंड फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट भैया इज इंपॉर्टेंट. अच्छा डेट्स की आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे का? सो डेट्स का मैं यही बता रहा था ये है कि एक्चुअली काफ़ी लोगों के सवाल ही आते हैं कि हम डेट्स क्यों खाते हैं रोज़ा को दिन, क्योंकि डेट्स सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और सोर्स ऑफ आयरन है, उसके सबसे ज़्यादा आयरन होता है उसके अंदर और सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. कोई देखिए जितनी भी थकावट होती है ना वो एकदम से खाती चुस्त और तंदुरुस्त हो जाता है डेट्स खाते. तो इसलिए सबसे पहला जो चीज़ हम खाते हैं डेट्स खाते हैं. वुड यू लाइक टू बी माई डेट? मैंने भी तो वही बोला, आपने भी बार रिपीट कर दी. क्या एग्जाम चल रहा है? आप में चीटिंग कर रही हैं? टीचर है वो चीटिंग नहीं करती. सुनो शी इज अ टीचर नॉट अ चीटर. यू आर अ चीटर. आई एम अ टीचर. व्हाट डू यू वांट टू से? क्या कर रही है दीदी? क्यों कॉल कर रही है दीदी को? क्यों बुला रहे थे हम दीदी? चार बर्गर. उसे क्या था ऑर्डर आया? चार बर्गर खा आज. चार बर्गर. अरे भैया नहीं निकल रही सब हो गया. मेरी बात सुनो. अब जो नया डिब्बा आएगा इतने बहुत जल्दी खत्म करा है, इसमें से इसके से कम पड़ेगी. वैसे तो लेटस ऊपर आनी थी लेकिन फिलहाल चीज आ गई है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पार्टी पैटी. लुक्स टेम्पटिंग ना? वेरी नाइस सर. बहुत सही लग रहा है देखो. ओके अब मैं बाकी बर्गर बनाती हूँ. स्टे कनेक्टेड. कैसे लग रहे हैं अब्बा? बहुत अच्छे. अरे वाह मजा आ गया भाई, मजा आ गया. अरे भाई संभाल के लो. अरे वाह. अरे वाह वाह. यम्मी इन योर टाइम. अब बैठो दुआ करिए. क्यूटी है. अरे बाबू लगे सुनो. क्या आया दीप्ति? वाह 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 वाह. वी हैव गॉट सम अल्टीमेट. पकड़िएगा ये आपके लिए. नेहा ने भेजा. अरे वाह. मीठा बाय रेडिसन. मीठा थैंक यू सो मच. थैंक यू मीठा एंड थैंक यू नेहा एंड थैंक यू होटल. आई थिंक इन लोगों की सबसे सही होती है ना. लास्ट टाइम आल्सो दे सेंट अस. है ना मम्मी? लास्ट टाइम भी आई थिंक हम लोगों ने आपको पिक्चर भेजी थी. बहुत अच्छा होता है. दिस इज देयर स्पेशल इफ्तार हैम्पर एंड लुक्स क्वाइट किक-ऐस. नमाज के बाद ओपन करते हैं ना? भाई शिरीन ने मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग बर्गर बनाए हैं. आपके लिए क्यों? सबके लिए बनाया. सबके लिए बनाया. तो आज मैंने फाइनली बर्गर्स बना लिए हैं. ज्यादा मेहनत का नहीं था, बहुत सिंपल सा था. बट आई एम हैप्पी कि सबको बहुत अच्छा लगा. और अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. And we'll see you next time. Next time. Tomorrow. Allah Hafiz. Allah Hafiz.